इस वाले पर्टिकुलर वीडियो का आप लोगों का काफी वेट था, पिछले चार दिन से आप लोग कमेंट कर रहे हो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70K, मतलब 68K, 65,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, 55,000 रुपीज एंड इवन 50,000 रुपीज के रेंज में। इस रेंज में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों, जिसमें मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आपको बताने का कोशिश करूंगा और आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जो भी मैं बताऊंगा, दोज आर काइंड ऑफ ग्रेट लैपटॉप्स। तो चलिए 65,000 to 70,000 रुपीज के बीच में देखते हैं। सो जो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा ना, वो आपको स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, ओके डिस्प्ले एंड ओवरऑल बेटर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। सो यहां पर मैं रखूंगा सबसे पहले एसर का ALG i7-13620H प्रोसेसर एंड प्राइस के हिसाब से ये बता दूंगा कि भाई ये नाइट्रो वी से कहां पर मेल खाता है, तो नाइट्रो वी ले कि ये वाला ले, करेक्ट। एक लास्ट लैपटॉप में जरूर बताऊंगा आप लोगों को जो कि आपको शॉक करने वाला है कि अब क्या करें, ये ले कि वो ले, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैंने अभी तक दो ALG रिव्यू कर रखे हैं, RTX 2050 वाला एंड RTX 3050 वाला, नहीं देखे तो आप जाकर देख लेना एंड मुझे परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है। लुक्स वाइज काफी अच्छा है, लेड मेटल बिल्ड का है, कीबोर्ड लेआउट काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है। अब यहां पर आपको i7-13th Gen H प्रोसेसर मिल रहा है जो कि परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छा, काफी अच्छा प्रोसेसर है जो कि 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ आपको देखने को मिलता है, जबकि i5-12450H में आपको 8 कोर्स और 12 थ्रेड्स ही मिलते हैं। काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें आपको परफॉर्मेंस या स्कोर वाइज, जो जिसका बजट 67,000 रुपीज का है एंड अच्छा गेमिंग भी करना चाहता है एंड साथ में एक ठीक ठाक लेवल कोडिंग, AIML वर्क, प्रोजेक्ट पर वर्क करना हो, आसानी से ये आपका प्रोसेसर करवा देगा। एंड इवन 4K एडिटिंग में भी आपको i7 CPU बेटर सपोर्ट करेगा मल्टीपल लेयर एडिटिंग के लिए। एंड इसका जो 75W का RTX 3050 आपको गेमिंग एंड रेंडर में भी उतना ही हेल्प करने वाला है जितना नाइट्रो वी का i5-12450H RTX 3050 करेगा, लेकिन वो आपको 70,000 रुपया लगाकर i5-12450H CPU दे रहा है। ये मेजर डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, वो सुन लो आप लोग। उसमें आपको DDR5 RAM, 1TB की SSD एंड थोड़ा बेटर थर्मल्स एंड गेमिंग लुक्स मिल जाता है। आखिर नाइट्रो सीरीज है एंड ALG इज इंस्पायर्ड बाई Aspire सीरीज एंड दिस i7 ALG हैव एवरीथिंग, बट यार बस DDR4 RAM मिलता है कॉस्ट कटिंग के लिए एंड 512GB का SSD मिलता है, जबकि नाइट्रो वी में आपको DDR5 RAM एंड 1TB की SSD मिलेगी। सो जिसको भी बेटर प्रोसेसर एंड ठीक ठाक गेमिंग करनी है लेकिन वैलोरेंट विच इज मोर ऑन CPU इंटेंसिव, दे कैन गो विथ Acer ALG एंड जिनको थोड़ा गेमिंग स्लिमर लुक, मतलब पतला लैपटॉप एंड 1TB SSD एंड DDR5 RAM चाहिए, जो नो डाउट थोड़ा बेटर स्ट्रीमिंग एंड फास्ट प्रोसेसिंग तो आपको प्रोवाइड करेगा ही बिकॉज ऑफ लेटेस्ट जेन एंड थोड़ा बेटर थर्मल्स भी आपको वहां देखने को मिलता है एंड नाइट्रो सेंस एंड बेटर बैटरी बैकअप निकाल कर भी आपको थोड़ा सा दे देगा, बट उतना भी डिफरेंस नहीं। वो नाइट्रो वी i5-12450H के साथ जा सकते हैं जो कि अगेन 70,000 रुपीज के अराउंड आपको मिलने वाला है। अगर आपको नाइट्रो वी का i7 लेना है तो भैया फिर आपको 7,000 रुपया बढ़ाकर 77K पड़ने वाला है और उस रेंज में आपको और भी बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि RTX 4050 आपको देता है। अगर वो वीडियो आपको देखना है RTX 4050 अंडर 80K वाले बेस्ट लैपटॉप्स, तो आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो जो कि कल ही पोस्ट किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जितने भी नाइट्रो वी या ALG, इसमें आपको 45% NTSC 60% sRGB ही मिलता है, तो उसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा। सो कलर ग्रेड वर्क में थोड़ा सा चैलेंज होगा। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड लैपटॉप पर जो कि है डेल का G15 69,000 रुपीज में, लॉन्च हुआ था 78,000 रुपीज में, जिसका पावर परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। दोनों ही लैपटॉप्स जो ऊपर मैंने बताया उनसे बेटर है परफॉर्मेंस में, जो थोड़ा बहुत एलियन वेयर से इंस्पायर्ड है एग्जैक्टली एंड i5-13450HX CPU के साथ मिलता है विच इज़ वेरी पावरफुल। 1TB की SSD मिलती है, 16GB का DDR5 RAM मिलता है, 4800MHz की इसमें आपको रैम मिल जाती है, 95W का RTX 3050 मिलता है एंड ऊपर के दोनों ही लैपटॉप से ज्यादा पावरफुल है। इसका भी फुल रिव्यू दोस्तों मैंने कर रखा हूं, नहीं देखे तो जाकर देख लेना, यू विल गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ इट देयर इन दैट वीडियो। नॉर्मली इसमें आपको ऑरेंज कलर की बैकलिट कीबोर्ड मिलती है दोस्तों, वैसे मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, 4-Zone RGB वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, थर्मल्स, कोडिंग, स्टडी, AIML, ये सब आपको आराम से करा देगा ये लैपटॉप एंड लाइफ टाइम MS Office भी मिल जाता है इसमें। इसका कॉन्स है, काफ़ी हैवी लैपटॉप है,
2.8 kg का, ट्रैक पैड थोड़ा छोटा है, डिस्प्ले एवरेज 270 निट्स ब्राइटनेस इसमें देखने को मिलता है, एंड 45% NTSC वाली डिस्प्ले है। लेकिन इसके i7 वेरिएंट में आपको 100% sRGB देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, यार 20 और बढ़ा देते, 144 हर्ट्ज कर देते, लैपटॉप तो आपका बहुत बेहतरीन है। लेकिन भाई डेल को अपना प्राइसिंग को भी ध्यान रखना था, उस हिसाब से आप सोच सकते हो। बैटरी साइज थोड़ी छोटी है, 57 वाट आवर, सो पावर बैकअप ओके ही है। मक स्विच यूज करके, आप IGPU मोड यूज करके थोड़ा बैटरी परफॉर्मेंस को बेटर और इन्हांस कर सकते हो। रेस्ट लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज आपको निराश नहीं करने वाला है। एंड आप भी कोई भी लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जाएं तो मेरे को भी निराशा कम होगी। अब आ जाते हैं अपने थर्ड लैपटॉप पर, जो कि नन अदर देन एलोक्यू है। 68,000 रुपीज के प्राइस में नॉर्मली मैक्स ऑफ द पब्लिक एलोक्यू प्लान कर रही होती है लेने को। तो यहाँ पर मैंने जो आपके लिए चूज करके लाया है वो है Ryzen 5 का 7235HS प्रोसेसर, जो कि 95 वॉट का RTX 3050, 100% sRGB, G-Sync कॉम्पैटिबल, 144 हर्ट्ज मिलता है, अंडर 70K, इट्स अ ग्रेट डील। 4 जोन RGB कीबोर्ड इसमें आपको मिल जाएगा। फुल वीडियो मैंने इसका बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। किसी को कोई डाउट हो रहा हो कि भैया इसमें IGPU नहीं मिलता तो क्या होगा, 300 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा, 12GB एंड 24GB DDR5 RAM के ऑप्शंस के साथ ही आपको देखने को मिलता है। 12GB वाला भी काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। दिस लैपटॉप कैन बी अ ग्रेट डील फॉर जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग कलर ग्रेड वर्क करना है, तो एक बेहतरीन डील है। 100% sRGB है, मुझे ये लैपटॉप अच्छा लगा, एंड कोई मोबो इशू एंड ऑल इसमें नहीं रिपोर्ट हुआ, मदरबोर्ड डेड इशू एंड ऑल अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, एंड ये भी लाइफ टाइम MS ऑफिस के साथ मिलता है, तो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। पर इसमें भी कॉन्स है कि इसमें आपको IGPU नहीं मिलता, Ryzen 5 7235HS के जितने भी प्रोसेसर हैं, सो मक स्विच नहीं मिलेगा, एंड बैटरी साइज 60 वाट आवर की है, तो बैटरी बैकअप निकालना थोड़ा मुश्किल होना है। तो 2 to 2.5 hours आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई खास डिफरेंस भी नहीं है, गेमिंग लैपटॉप में इन एवरेज इतना मिलता ही है। बैटरी मोड पर अगर आप रखोगे तो थोड़ा बेटर बैटरी बैकअप निकाल लोगे। तो जिसको भी एलोक्यू ही लेना है कलर ग्रेड वर्क के हिसाब से, तो वो इस वाले पर्टिकुलर लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, जिसमें 95 वॉट का आपको GPU मिलता है, विच विल गोना हेल्प यू फॉर एडिटिंग एंड एवरीथिंग ऑल्सो। इसी के साथ अपना एलोक्यू i5 12450HX RTX 3050 भी आ जाता है, जो कि Ryzen 5 वाले से ज़्यादा पावरफुल है। IGPU भी मिलता है, सेम 95 वॉट TGPU वाला RTX 3050 भी मिलता है, 100% sRGB भी मिलता है, मक स्विच भी मिलेगा, सो बेटर, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट यार कितना, 10-15% मोर परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा एलोक्यू i5 12450HX मॉडल। बट ये ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट मॉडल खरीदिए, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड पीस खरीदिए। दिस लैपटॉप इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन इन दिस प्राइस रेंज, क्योंकि मदरबोर्ड इशू आ रहा था एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर लॉट पर, तो मैं इसको इस नंबर पर रखा हूँ। वेदरवाइज अगर आप लेटेस्ट लेते तो लैपटॉप बेहतरीन है। अब बारी है अपने फोर्थ लैपटॉप की, जो कि है नन अदर देन Infinix GT Book i5 13420H RTX 4050 90W TGP के साथ, जो कि 4 जोन RGB 100% sRGB RGB स्ट्रिप एक्सेसरीज बॉक्स लाइट वेट लैपटॉप 2 kg ओनली 16GB DDR5 सोल्डर्ड रैम, जो कि कौन सा है सोल्डर्ड रैम एंड ऑल, बट 300 निट्स ब्राइटनेस मिलता है इसका। 3050 मैंने रिव्यू कर रखा है दोस्तों, 4 month एक्सपीरियंस वीडियो भी बना रखा है इस लैपटॉप का, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस और नेक्स्ट लेवल मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जाकर वो वीडियो देखना, आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप लैपटॉप डिसाइड कर रहे हो। बट इसमें क्या कौन सा है वो आपको बताता हूँ भाई। सबसे पहला तो सोल्डर रैम है, एक्सटेंड नहीं कर सकते, 16GB तो 16GB के साथ ही चलाना है, वैसे 16GB एनफ होता है। प्रोसेसर CPU थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, क्योंकि एच प्रोसेसर विद स्लिम लैपटॉप है, तो इसको थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड थर्मल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि कोई खास इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये नया ब्रांड है मार्केट में, 5-6 महीने पहले ही G2 Book लॉन्च हुआ है। Infinix तो भाई चार पाँच साल से मार्केट में है, कस्टमर केयर इनका इस्टेब्लिश्ड है, बट थोड़ा और बेटर इनको भी करना पड़ेगा, बिकॉज G2 Book एंड ऑल अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, वो मेरे पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। किसी का 55K का बजट है तो वो भाई इसका i5 12450H RTX 3050 भी ले सकते हो, वो भी एक वैल्यू फॉर मनी अच्छा लैपटॉप है। अब अपना नेक्स्ट लैपटॉप है, जिसको मैं ऊपर नहीं बताया था, जो कि 5th नंबर पे मैंने रखा है, और ये है नाइट्रो वी Ryzen 7 7735HS RTX 3050, जो कि 67,000 में
प्राइस के हिसाब से एक स्टील डील है विद 16GB DDR5 RAM, गेमिंग लुक्स 144Hz डिस्प्ले, नाइट्रो सेंस, बेटर बैटरी बैकअप आपको निकाल कर दे देगा विद IGPU मोड, मतलब इन एन एवरेज 3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। लाइट वेट लैपटॉप है, गुड थर्मल्स है, दी ओनली कॉन्स अगेन हेयर इज 45% NTSC, कलर ग्रेड वर्क के लिए स्पेशली ग्राफिकल डिजाइनिंग के नॉल के लिए नहीं बना है, रेस्ट अगर मॉनिटर आप यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे किसी ने अपना बजट अराउंड 50K बना रखा है तो वो एसर LG का 2050, HP विक्टस का 2050, इन्फिनिक्स का 3050, MSI थिन, इन ऑप्शंस को देख सकता है। मैंने ऑलमोस्ट सबका रिव्यू कर रखा है। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने वीडियो खुद ही शूट किया है, खुद ही एडिट किया है, क्योंकि वीडियो डालना जरूरी था सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके। आज हमारे एडिटर भाई लोग छुट्टी पर हैं, सो एक लाइक तो बनता है इसी बात पर, एंड सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लाएं सो दैट मैं प्लान करके अकॉर्डिंगली आ जाऊँ।